तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो कुछ ऐसी बातें हैं यूट्यूब की जो सालों साल से यूट्यूब में चली आ रही है, ठीक है, उनके पीछे का जो सच है ना, वो आज मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि वो सही है या गलत। और मैं जो बताने वाला हूँ वो बातें कहीं पर लिखी हुई नहीं है, वो कहीं का रूल नहीं है, वो बस मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने फील किया है, ठीक है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहली बात और सबसे ज्यादा चलने वाली बात जो कि ये है कि आपका वीडियो आपको अपलोड करते वक्त अनलिस्टेड करके अपलोड करना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए या शेड्यूल कर देना चाहिए। तो वो देखो गाइस, आपको लगता है कि अनलिस्टेड करने से, काफी बड़े क्रिएटर्स कहते भी है कि अनलिस्टेड करके वीडियो जब डालते हैं तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है नॉर्मल वीडियो से, पर सच ये है कि अनलिस्टेड करने से वीडियो में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखो, अनलिस्टेड करके किनको डालना चाहिए, जैसे आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, अब आपको थंबनेल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, टाइटल डालना है, तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, वीडियो अपलोड हो जाएगा, डायरेक्ट पब्लिक हो जाएगा, लोग डायरेक्ट देखने लग जाएंगे और आप अपना डिस्क्रिप्शन टाइटल डाल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको वीडियो अनलिस्टेड करके डालना जरूरी होता है ताकि आप अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन सही से डाल पाए, और जब आपको लगे कि सब कुछ ओके है तब आपको वीडियो पब्लिक कर देना चाहिए। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छे सोच के लिखोगे तो यार टाइम तो लगेगा, इसलिए वीडियो को अनलिस्टेड करके डालने में भलाई है, ठीक है। तो वो इसलिए भलाई है क्योंकि आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना है, ना कि आपका वीडियो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कमेंट में मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपना वीडियो किस टाइम पे डालना चाहिए ताकि ग्रो हो सके। तो देखो गाइस, आपका सवाल ये होना चाहिए कि वीडियो में कंटिन्यू डालना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये सवाल है इंपॉर्टेंट। तो देखो गाइस, आपका टाइम कुछ भी हो, जैसे मान लो आपका टाइम है 8 बजे का, तो आप जिस दिन भी डालो फिक्स 8 बजे अपना वीडियो डालो, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी आपको रखनी जरूरी है। टाइम आप कोई भी रख सकते हो। अब हाँ, अगर आपकी देखो ऑडियंस है जो 12 साल से 18 साल से नीचे की है, ठीक है, तो आपको स्कूल टाइम में कभी वीडियो नहीं डालना चाहिए, जैसे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद में आप कभी भी डालो। अगर मैच्योर ऑडियंस है तो आप कभी भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जैसे आपका वीडियो है तो वीडियो का तो नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और वो वीडियो तो देख ही लेगा। लेकिन अगर रही बात शॉर्ट की ना, तो शॉर्ट में टाइम बहुत मैटर करता है, क्योंकि शॉर्ट के स्टार्टिंग के जो 5-6 घंटे होते हैं उन्हीं में शॉर्ट चलनी है या नहीं वो पता चल जाता है। अगर स्टार्टिंग के 5-6 घंटे में लोग देखेंगे ही नहीं तो आपकी शॉर्ट नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो है शॉर्ट में टाइम मैटर करता है, वीडियो में टाइम मैटर नहीं करता है। तो इसलिए जब आप शॉर्ट डाल रहे हो तब आप अपना यहाँ से पहले तो देख लेना आपकी ऑडियंस कौन सी है। अगर 18 साल से नीचे की है तो स्कूल टाइम में कभी भी वीडियो मत डालना, और अगर आपकी ऑडियंस 18 साल से ऊपर की है तो फिर आप कभी भी वीडियो डाल सकते हो। इसके लिए फिर आप ये वाला डेटा देख लेना कि आपके ज़्यादा टाइम किस टाइम एक्टिव रहती है ऑडियंस, उस टाइम आप वीडियो डालो। अगला सवाल यह है कि क्या गलत कैटेगरी चुनने से वीडियो के व्यूज कम हो जाते हैं। तो देखो गाइस, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी व्यूज कम नहीं होते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी के वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप गेमिंग के वीडियो बनाते हो, टेक्नोलॉजी में डाल देते हो, तो इसे आपके व्यूज में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अगर आपका वीडियो अच्छा है तो बिल्कुल चलेगा और 100% चलेगा, ठीक है। अब जैसे कैटेगरी का क्या है, कोई भी उसके आसपास की कैटेगरी आप डाल सकते हो। जैसे मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ तो मैंने कैटेगरी डाली है हाउ टू एंड स्टाइल, तो काफ़ी सारे लोग ना मेरी तरह डालते हैं कि आपने क्या डाली है, वही कैटेगरी मैं डालूंगा ताकि ग्रो हो जाऊं। तो इससे भाई कुछ नहीं होने वाला है, आप अच्छा वीडियो बनाओ। और कैटेगरी अगर आप गेमिंग डाल दो तो गेमिंग कर लो, और ट्यूटोरियल डाल दो तब भी आप गेमिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फ्री फायर की शॉर्ट वगैरह सब डालते हो तो गेमिंग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के डालते हो तो टेक्नोलॉजी कर दो, जिसमें आप सारे अनबॉक्सिंग फोन के वगैरह जितने भी बनाते हो वो सब कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में डाले, चाहे गलत भी क्यों ना हो, उससे आपके व्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक और सवाल जो कि थोड़ा अजीब है, लेकिन शुरुआत में मुझे भी लगा था कि यार ये क्या है, ठीक है। तो मतलब कई लोग ये सोचते हैं, पहले मैं भी सोचता था कि वीडियो को क्रोम से अपलोड करना चाहिए, क्रोम वाले यूट्यूब से अपलोड करना चाहिए या अपने ऑफिशियल यूट्यूब के ऐप से अपलोड करना चाहिए, तो क्या इससे भी कोई ग्रोथ में फर्क पड़ता है। तो दोस्तों बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा आप खुद सोचो, कई लोगों को लगता है कि पीसी से अपलोड करने पर जो है ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है, फोन पे अपलोड करने पर व्यूज कम आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप चाहे कहीं से भी अपलोड करें, वो यूट्यूब की वेबसाइट है, वो यूट्यूब का ही ऐप है, दोनों में जगह एक ही जगह जाना है, तो कोई भी आपकी ग्रोथ में फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ही कोई पूछता होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि टैक्स की जो कैटेगरी है और जो लाइक्स है, इन सब कुछ ज़्यादा होने से क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या। मतलब जैसे अगर आपकी वीडियो में ज़्यादा लाइक्स है तो कुछ अच्छा फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों लाइक से कोई फर्क पड़ता ही नहीं आजकल यूट्यूब में, यूट्यूब लाइक्स को देखता ही नहीं है ना डिसलाइक्स को देखता है, ठीक है। तो अगर आपका इंस्टाग्राम होता तो शायद फर्क पड़ सकता था, लेकिन लाइक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात टैक्स की, जो आपकी टैक्स की कैटेगरी है उसमें आप टैक्स डालते हो, तो उससे मेरे को नहीं लगता कि यार कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अभी अपने फिलहाल के काफ़ी सारे लेटेस्ट वीडियो में कभी भी टैक्स नहीं डालता हूँ, और मेरे तो अच्छे चलते भी हैं, कई बार बिल्कुल भी बेकार चलते हैं वीडियो और सब कुछ होता है, ठीक है, पर मैं टैक्स कभी नहीं डालता हूँ। हाँ, अगर आप टैक्स डालना चाहते हो तो अपने डिस्क्रिप्शन में डालो, टाइटल में डालो, इससे 100% फर्क पड़ने वाला है। और ये तो यूट्यूब ने भी कहा है कि टैक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी जो टैक्स की कैटेगरी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के लिए कुछ इतने ही क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट में लिख दो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और लिख दूंगा, ठीक है। अगर नहीं होता है बाई चांस तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ हम पर्सनली बात कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।